ऐसे तो फिल्मों में, बॉलीवुड के फिल्मों में अक्सर डबल रोल देखा जाता है कि कुंभ से बिछड़ा हुआ कोई भाई या बहन मिल जाता है, लेकिन अगर हमें कोई रियल लाइफ में भी ऐसे ही देखना कि मिले, वो भी खासकर जब झारखंड के मुख्यमंत्री जो हेमंत सोरेन जो अभी काफी प्रसिद्धि पाए हुए हैं, अभी नवनमुख झारखंड के नाम बहुत प्रसिद्ध है, तो हेमंत सोरेन कहा जाता है, अगर उनका भी कोई डुप्लीकेट दिखाई पड़े तो क्या कहेंगे। ये है हमारे मुंडा लोहार जी, जो बिल्कुल उन्हीं की तरह दिखते हैं, जिनके शकल दूर से लोग धोखा भी खा जाते हैं कि मुख्यमंत्री से मिलती हुई इनकी शकल है, ठीक हेमंत सोरेन से मिलती इससे बात भी करते पूछते हैं। मुंडा लोहार जी, कैसा लगता है जब लोग आपको कहते हैं कि हेमंत सोरेन आ रहे हैं? देख, मुझे मतलब उतना एक्साइटमेंट नहीं है, क्योंकि मैं जो नहीं हूँ इसे, हाँ मैं कैसे, मैं एक कलाकार हूँ। अगर उस तरह से कमेंट्स आते हैं कि आप बिल्कुल एकदम सीएम की तरह लग रहे हैं, तो उनका नजरिया है, उनकी दृष्टिकोण है, क्योंकि मैं तो सिर्फ मुंडा लोहार हूँ, मेरा काम है कलाकारी के। हेमंत सोरेन जी के कार्य से कितने प्रभावित? उनके कार्य से मैं सिर्फ प्रभावित नहीं हूँ, बल्कि पूरे झारखंड के तमाम जितने भी आज जो उन्होंने मैया योजना जो उन्होंने शुरू किया, जो पिछले 24 वर्षों से नहीं हुआ था, जो आज उन्होंने कर दिखाया, और मैं चाहता हूँ कि बहुत सारी योजना इस तरह के लाए ताकि घर के बच्चे तक उनसे जुड़े और वो जमीनी स्तर से काम कर रहे हैं, और इसमें किसी तरह का निगलेंसी नहीं होना चाहिए कि भाई वोट के लिए आगे जो हम आएंगे फिर से चेयर में बैठेंगे, तो इस तरह का स्वार्थ नहीं होना चाहिए, बल्कि आप जेन्युइन काम कर रहे हैं तो ये काम को लगातार अंजाम देते रहे। अगर भविष्य में अगर सीएम ना भी रहे तो भी इस क्षेत्र को, मतलब इस सरकारी योजना हमेशा बरकरार है, तब लोग उन्हें मरते दम तक याद है। कभी मिले आप हेमंत सोरेन से? कल प्रोग्राम के माध्यम से मिले हैं, लेकिन फेस टू फेस उनसे बातचीत नहीं की है, इस गेटअप में नहीं, उस समय मेरी दाढ़ी भी नहीं थी, वो छोटी थी, बाल भी छोटे। अच्छा, इस गेटअप में अगर आपने सामने हो और मिले आप, तो आप मुख्यमंत्री से क्या कहना चाहेंगे? मैं मुख्यमंत्री जी से यही कहना चाहूँगा कि दादा, अगर आप मुझे भाई की तरह मान रहे हैं और जिस तरह से योजना अपने गाँव गाँव तक पहुँचा रहे हैं, तो हम कलाकारों के लिए कम से कम इतने सारे योगदान दिए इतने वर्षों से, उनके लिए भी एक अच्छी सी योजना निकाले ताकि उन्हें आर्थिक रूप से सपोर्ट मिल सके और उनके परिवार भी अच्छे रूप से आगे बढ़ सके। एक कलाकार के रूप में आप कलाकारों के लिए भी जीत चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। कभी आपको मौका मिलेगा हेमंत सोरेन के साथ रहने का, तो क्या आप आएंगे? एकदम ऑफकोर्स मैं रहूंगा, इसलिए कि वो भी मेरे लिए एक ऑब्जर्वेशन का पल रहेगा, क्योंकि अगर कल को हमको अगर सीएम का कैरेक्टर निभाना है किसी रोल में किसी फिल्म में, तो भाई उनके हाव भाव उनके हर एक स्ट्रक्चर को, भाई अगर हेमंत सोरेन की कभी बायोपिक फिल्म बनती है, अगर किसी ने सेलेक्ट कर लिया कि नहीं मुन्ना जी से ही ये इनका रोल कराना है उनका बायोपिक फिल्म में, तो भाई उनको तो जानना समझना होगा कि कैसे उठते थे, कैसे बात करते थे, किनसे किस तरह से मिलते थे, उनका हाव भाव को ऑब्जर्वेशन, बड़े बड़े हॉलीवुड के चाहे कोई भी हॉलीवुड के एक्टर है, तो सबसे पहले किसी भी अच्छे इंसान के लिए अगर उनका फिल्म बायोपिक बनता है तो उनके पास जाते हैं, उनके पास टाइम देते हैं, 6 महीना 4 महीना 5 महीना साल भर देते हैं, उनका रहना सहना उनके लिए सारा चीज़ सारा सिस्टम रहता है, तब जाके वो उस रोल को निभा पाते हैं। ऐसा नहीं हो सकता, चूंकि जब हमारे मुख्यमंत्री जी जब उनका पद छूट गया था, अभी चले गए थे, उससे पहले मेरी दाढ़ी थी, उसी में मेरी डायरेक्टर से बात हो चुकी थी, मुन्ना जी आपको दाढ़ी रखना बहुत जरूरी है क्योंकि मेरा फिल्म का डिमांड है, इसलिए मैंने ये तो आप लोग देख सकते हैं हमारे साथ जो है मुन्ना लोहार जी है, जो मुख्यमंत्री की तरफ मिलते हैं, थोड़े से कद कम है लेकिन उनकी दाढ़ी उनका चश्मा उनसे मिलता जुलता है, और काफी लोग इनसे आकर्षित होते हैं, देखते हैं कि ये हेमंत सोरेन बिना सुरक्षा के कैसे चल रहे हैं, कैसे मुख्यमंत्री आ गए हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं लोग बहरहाल, लेकिन जो भी है इनकी भी एक डिमांड है, एक कलाकार है, ये भी आग्रह करते हैं मुख्यमंत्री से कि जैसे और लोगों के लिए योजनाएं चलाए जा रहे हैं, कलाकारों के लिए भी चले, ताकि कलाकार भी अपने प्रतिभा को निकाल सके। गुमला से अमित राज।